दोस्तों जीके का 10 मजेदार सवाल जो आपकी ज़िंदगी में खुशी लाए। तो चलिए इस वीडियो को बिगर टाइम गंवाए हुए अभी और इसी वक्त शुरू करते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कोई बीमारी और कभी भी ना आए। सवाल नंबर एक, कच्चा केला नहीं खाने से कौन बीमारी पकड़ लेता है खून में कि कितना पैसा लगने पर भी ठीक नहीं होता है? दोस्तों इसका सही आंसर है खून में जो है वो कैंसर की बीमारी पकड़ लेता है कांचा केला के सब्जी नहीं खाने से। इसीलिए 20 बार जो है वो कांचा केला के सब्जी जो है वो साल में और सीजन में जरूर खाना चाहिए। सवाल नंबर दो, करेला खाने से कौन बीमारी नहीं होती है शरीर में? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों इसका सही आंसर है करेला खाने से दाद, खाज, खुजली, एक्जिमा कभी भूल करके भी नहीं होती है। इसीलिए करेला का सब्जी जो है उस सीजन में जब भी आए तो जरूर खाना चाहिए। सवाल नंबर तीन, सौंफ, धनिया, मिश्री खाने से कौन बीमारी ठीक हो जाता है? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों इसका सही आंसर है सौंफ, धनिया, मिश्री का चूर्ण बनाकर सुबह शाम सेवन करने से प्रसूता की बीमारी जो है वो जीवन में कभी नहीं होती है और हाथ पांव की जलन जो है वो हमेशा के लिए मिट जाती है। सवाल नंबर चार, ज़्यादा चीनी खाने से कौन बीमारी शरीर में उत्पन्न हो जाती है? तो दोस्तों पैसा जो है वो बहुत सारी लग जाती है। नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों इसका सही आंसर है ज़्यादा चीनी खाने से चाय में या ऐसे भी शुगर की बीमारी जो है वो हो जाती है। इसीलिए आप लोग से हाथ जोड़ कर कहूँगा कि कभी भी चीनी ना मात्रा के खाएं। सवाल नंबर पाँच, आंखों की रोशनी के लिए क्या करना चाहिए? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब मेरे भाई जरूर कीजिएगा। दोस्तों इसका सही आंसर है देसी गाय का दूध आंखों की रोशनी के लिए खूब पीना चाहिए और दही जो है भैंस का खूब खाना चाहिए। इससे आंखों की रोशनी बुढ़ापे तक बरकरार रहता है और हड्डी भी मजबूत रहता है। सवाल नंबर छः, हरा मिर्च खाने से क्या फायदा मिलता है? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब मेरे भाई जरूर कीजिएगा। दोस्तों इसका सही आंसर है गर्मी के मौसम में या ठंडी के मौसम में कभी भी खाना खाएं तो आधा टुका से एक टुका हरा मिर्चा जो है वो जरूर खाना चाहिए। पेट में गैस नहीं बनती है तो कोई बीमारी नहीं होती है। सवाल नंबर सात, भिंडी की सब्जी कब ज़्यादा खाना चाहिए? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब मेरे भाई जरूर कीजिएगा कि ऐसी जानकारी मिलती रहे। दोस्तों इसका सही आंसर है भिंडी की सब्जी जो है वो गर्मी के मौसम में खूब खाना चाहिए। पेट जो है पूरा एकार बेकार जो है पेट की गंदगी पूरा साफ हो जाता है और शरीर ठंडा रहता है तो कोई बीमारी नहीं होती है। सवाल नंबर आठ, मेथी की साग खाने से कौन बीमारी नहीं होती है शरीर में? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब मेरे भाई कर दीजिएगा। दोस्तों इसका सही आंसर है मेथी की साग खाने से बवासीर की बीमारी जो है वो कभी भूल करके भी नहीं होती है। इसीलिए मेथी के जो साग है वो खूब खाना चाहिए सीजन में और देहाती खाना चाहिए। दोस्तों सवाल नंबर नौ, सुबह नहाने से कौन सा बीमारी शरीर में उत्पन्न नहीं होती है? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब मेरे भाई जरूर कीजिएगा। दोस्तों इसका सही आंसर है सुबह नहाने से और पूजा पाठ कर लेने से दाद, खाज, खुजली नहीं होती है और आने वाला घर में कितना भी बीमारी नष्ट हो जाती है। इसीलिए जरूर सुबह में नहाना चाहिए। सवाल नंबर 10, आलू में कौन सा विटामिन मिलता है? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा कि बीमारी नहीं होता है। दोस्तों इसका सही आंसर है विटामिन सी भरपूर मात्रा में आलू में मिलता है। इसीलिए कोई बीमारी शरीर में नहीं होता है। इसीलिए खूब खाना चाहिए। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू मेरे भाई।